आज जो मैंने अब तक जाना, समझा, अनुभव किया कि लोकवाद्य विधा प्राय लुप्त होती जा रही है। आज गिटार में, सिंथेसाइजर में गढ़वाली गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो मूल लोकवाद्य हैं ये प्राय लुप्त हो रहे हैं। इसी पे हम लोगों ने जो कुछ भी थोड़ी बहुत लोक कलाकारों से, इन वरिष्ठ कलाकारों से संकलन किया है, संग्रह किया है, वो आपके सम्मुख रखने हैं। डमरू के विषय में श्री जोशी जी आपको सर्वप्रथम बता चुके हैं कि डमरू को आर्य साहित्य में, शास्त्रों में प्रथम वाद्य यंत्र के रूप में माना गया है और इसकी उत्पत्ति भगवान शंकर से मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि में प्रथम नाद शब्द की उत्पत्ति डमरू से हुई है और इसके पश्चात जितने भी वाद्य यंत्र हैं इनका निर्माण बाद में हुआ है। मेरा मानना यह है कि भगवान कृष्ण से बांसुरी, सरस्वती से वीणा, भगवान शंकर से डमरू, आज बांसुरी वादन और वीणा वादन भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्थान बना चुके हैं, लेकिन डमरू जिससे हम कहते हैं कि इससे आदि नाद शब्द की उत्पत्ति हुई है और डमरू से सभी वाद्यों की उत्पत्ति हुई है, आज डमरू वादन किसी भी मंच पे नहीं सुना होगा आपने। मेरे ख्याल में डमरू वादन आज प्रथम बार आज मंच पे हो रहा है। तो आज जो विधाएं हैं इन विधाओं पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पे संगीत जगत के विद्वान बैठे हुए हैं, मैं संगीत नहीं जानता हूँ साहब, मुझे डर लग रहा है कि कहाँ मुझे पकड़ ले। तो हमने ये प्रयास किया है कि डमरू में जो लोक कलाकार बजाते हैं वो क्या बजा रहे हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि उन लोक तालों को लिपिबद्ध किया जाए। हालांकि मैं पूर्ण रूप से नहीं कर पाया हूं, लेकिन जो कुछ भी मैं समझ पाया हूं, जान पाया हूं, मैं आपके सम्मुख डमरू के कुछ ताल रखूंगा और इसकी गायन शैली। देखिए, जैसा कि जोशी जी ने कहा है कि डमरू केवल जागर गायन में ही प्रयोग किया जाता है। जागर मध्य हिमालय गढ़वाल कुमाऊं की एक विलक्षण शैली है, एक उच्च सी शैली है, लेकिन आज ये जागर शैली में प्रयुक्त होती जा रही है। जागर मौखिक परंपरा रही है, शुरू से ही, और मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे पहुंचती गई है। मौखिक परंपरा में कुछ छूटता चला जाता है, कुछ जुड़ता चला जाता है। जागरण में बहुत प्रसंग ऐतिहासिक मिलते हैं, बहुत अधिकांश अनैतिहासिक हैं, लेकिन लोक के हिसाब से, लोक के अनुसार हम सभी को जैसा भी जागर, चाहे टिहरी में मिले, चाहे पौड़ी में मिले, चाहे चमोली में मिले, चाहे कुमाऊं में मिले, आज उन सब विधाओं को, उन सब प्रकार के जागरों को स्वीकारने की आवश्यकता है। बाद में उस पर विचार मंथन बाद में हो सकता है, लेकिन अभी मेरा विचार ये है कि लोक में आज सब लुप्त हो रहा है, आज लोक में जो कुछ भी मिल रहा है उसे बटोरने की आवश्यकता है, उसे संरक्षण की आवश्यकता है। और इन विधाओं पे संस्कृति विभाग से बैठे हैं हमारे बड़े अच्छे विद्वान हैं संगीत के, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन लोक विधाओं का युद्ध स्तर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वरना कुछ समय पश्चात ये सब लुप्त हो जाएगा। तो डमरू पे मैं अधिक न बोलकर मैं सर्वप्रथम जागर प्रारंभ करने से पहले धुएर ताल, धुएर या धुआं बजाई जाती है। किसी भी शुभ कार्य से पूर्व
डमरू में भी बजाई जाती है और ढोल दमो में भी बजाई जाती है, लेकिन मैं डमरू में आपको दोहे के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, लोगों ने, अधिकांश लोग इसको डमरू समझते हैं। भारतवर्ष में मैंने महाराष्ट्र में बंबई में ये बात कही थी कि मैंने कहा साहब ये डमरू नहीं, ये डुगडुगी है, ये डुगडुगी है, भालू बंदर नचाने वाली, ये डमरू नहीं है। इसमें आप 8 मात्रा नहीं बजा सकते, इसमें आप 6 मात्रा नहीं बजा सकते, इसमें आप 48 नहीं बजा सकते, ये एक डुगडुगी है और इसको अधिकांश लोगों ने डमरू माना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है, और भगवान शंकर से डमरू की उत्पत्ति है, तो भाई वास्तविक स्वरूप उत्तराखंड में मिलेगा या महाराष्ट्र में मिलेगा। मैंने बंबई में जिक्र किया है हम लोगों, तो ये एक संपूर्ण लोक वाद्य है। और इसमें आप देखेंगे इसके बड़े बड़े उस्ताद हैं, मेरे चाचा बैठे हैं भगत गुमान सिंह जी, मेरे गुरु जी हैं और मेरे पिताजी के शिष्य हैं, मैं आपको बता दूं आप। तो ये लोग जब तक हैं तब तक हम लोगों का सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम इन लोगों से कुछ लें, कुछ संरक्षित करें, वरना ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो देखिए, इसकी जो विलक्षण वादन शैली है और इसमें जो टुकड़े लगते हैं, अंग लगते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। हालांकि शास्त्रीय ढंग से मैं आपको नहीं बता सकूंगा, लेकिन जो कुछ भी हम लोगों ने समझा है, माना है, वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। देखिए, धुएं ताल संगीत जगत के जो विद्वान है उन लोगों से विषय होगा। टिक डिडिंग टिक डिडिंग टिक डिडिंग टिक डिडिंग टी का डी टी अंग, ये शब्द डमरू में है और इसमें जो प्रकार बन जाते हैं टिक करते टिक करते टिक करते करते टिक करते इस ढंग से बन जाते हैं, वो मैं आपको बजा के बताऊंगा। तो सर्वप्रथम देखिए, ये चलन में तो लगता है दादरा है, लेकिन वास्तव में 4 मात्रे का, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 टिक डिंग टिक डिंग टिक डिंग, इसकी 4-4 करके 8 भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे लिपि बनाने की आवश्यकता है और इस लिपि को समाज तक लाने की आवश्यकता। मैं सर्वप्रथम आपको धुएं सुना रहा हूं, देख लीजिए। तबले में सीधा है, अगर मैं साहब कहीं पे गलत हूं तो कृपा पकड़ लीजिए, गुरुजी आप बैठे हैं। तक दे दिन तक दे दिन तक दे दिन, ये मैंने अपने अनुसार कुछ शब्द बनाए ताकि ये याद रह सके, इस विधा को भूले ना, हम लोग प्रयास ये किया है। इसी प्रकार से देखिए, एक ताल हमारे यहां कहरवा के समकक्ष है, 8 मात्राएं हैं, देखिए इसमें आपको कुछ गाजे सुनाऊंगा किस ढंग से लोक शैली में गाया जाता है और ये 8 मात्राएं कैसे बजाई जाती है।